आधार कार्ड का न्यू पोर्टल लॉन्च हो चुका है। हम उस पर आधार कार्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे आधार कार्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या फिर जेंडर चेंज करना, हमारे आधार कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करना या फिर हमारा पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करना। तो गाइज, वेलकम बैक टू वन सॉल्यूशन, मैं हूँ प्रिंस और आज हम सीखने वाले हैं कि आधार कार्ड के न्यू पोर्टल पर हम कौन कौन से काम आधार कार्ड से रिलेटेड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आधार कार्ड का न्यू पोर्टल ओपन करने के लिए आपको अपने ब्राउजर पर myaadhar.uidi.government.in टाइप करना है और जो भी पहला लिंक हो आप उस पर क्लिक कर दें। आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा, आप इस वाले एरो पर क्लिक करें और यहां पर इस वाली साइट पर क्लिक कर दें। आपको यहां पर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप लॉगिन पर क्लिक करें, यहां पर अपना आधार नंबर टाइप करें, यहां पर इस कैप्चा को फिल करें और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दें। आपका जो भी फोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर आपका ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, उस ओटीपी को यहां पर फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन होने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पोर्टल ओपन होकर आएगा, ये आधार कार्ड का न्यू पोर्टल है। हम यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, हम अपने आधार कार्ड को यहाँ पर देख सकते हैं। हम फिलिप आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, हम अपने आधार कार्ड की बैक साइड भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज, इस वाले पोर्टल पर काफ़ी सारी सर्विसेज हमें दी गई हैं, जैसे कि हम अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपना प्लास्टिक वाला आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, उसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या एड्रेस बदल सकते हैं। हम देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड किसी बैंक से लिंक है या नहीं। हम अपनी बायोमेट्रिक्स को लॉक अनलॉक कर सकते हैं और अपने पेमेंट की हिस्ट्री भी यहां से हम चेक कर सकते हैं। हमें पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करना है तो हम ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पर क्लिक करेंगे। हमें यहां पर हमारे आधार कार्ड की डिटेल दिख जाएगी, हम यहां से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम इस टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। गाइज, हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने पेमेंट गेटवे पर। हमें यहाँ पर 50 रुपये की पेमेंट करनी है। हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग, UPI या पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाला हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से अपने बैंक को सेलेक्ट करके यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर दूँगा। हम यहाँ पर अपनी नेट बैंकिंग की यूज़र ID फिल करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। हमारी पेमेंट हो जाएगी और गाइज, हम यहाँ से अपनी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हमें अगर अपने आधार कार्ड में कोई अपडेट करना है, यानी नेम, एड्रेस या फिर डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना है, अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। यहां से जो भी डेटा हमें चेंज करना है उस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। हम यहां पर अपनी डिटेल को जो अपडेट करनी है फिल करेंगे और जो भी हमें न्यू चेंज करना है उसको टाइप करके यहाँ से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे। हमें जब भी अपने आधार कार्ड में कोई अपडेशन करनी होती है तो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, उसको हम यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आप यहां अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर जहां भी आपने उसको सेव किया है उसको ओपन करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। गाइज, यहां पर हम टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट गेटवे पर। हमें 50 रुपये की पेमेंट करनी है और नेट बैंकिंग, वॉलेट या डेबिट क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट कर सकते हैं। हम यहां पर अपनी पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, जो भी हमने पेमेंट की है। और गाइज, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट यहां पर हमें मिल जाएगी, जो भी हमने सबमिट की है। हम इन पर क्लिक करेंगे, हम इनका स्टेटस देख सकते हैं और इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। हमने पीवीसी कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो हम देख सकते हैं ये प्रिंट इन प्रोसेस में है। जब भी ये प्रिंट हो जाएगा तो बाय पोस्ट ये हमारे घर भेज दिया जाएगा। गाइज, इस तरह से हम अपने आधार कार्ड के न्यू पोर्टल को यूज कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड में चेंज कर सकते हैं। ये काफी इजी था, आप ये अपने घर पर अपने लैपटॉप पीसी से काफी आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।